आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरीके से आप अपने फ़ोन को एक हैकिंग डिवाइस में चेंज कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लव और आप सभी का स्वागत है टेक सॉल्यूशन हिंदी यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो काफ़ी अमेजिंग होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम ना ही लैपटॉप ना ही कोई डेस्कटॉप, सिर्फ एक एंड्रॉयड डिवाइस से हैकिंग करेंगे, हैक करके दिखाएंगे आपको और देखेंगे कि कितना आसान है। जी हाँ, बस एक एंड्रॉयड डिवाइस से। इसके पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपको बैश और लिनक्स दोनों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और इसका आइडिया कैसे आया मेरे दिमाग में ये भी बताता हूँ। मैंने आपसे एक पोस्ट करा था जिसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाई जाए, तो आपने बोला कि एंड्रॉयड से हैकिंग करने के ऊपर, अपने एंड्रॉयड डिवाइस को किस तरीके से एक हैकिंग डिवाइस में बदलने के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो आप लोगों को जैसे आप लोगों ने बताया उस तरीके से मैंने ये वीडियो बना दिया और ये इसका पोस्टर है वीडियो का। और कोई भी वीडियो जो कि होती है, जो पोस्टर होता है, मैं पहले रिवील कर देता हूँ यहाँ पे कम्युनिटी पे, जिससे आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी और वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ से जाकर देख सकते हो। और यहाँ पे मेरे नए अपडेट्स जो हैं, ये देखिए, आप मेरी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो और जो भी मेरे नए अपडेट्स आते हैं मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे ये मेरी फ्री इथिकल हैकिंग का जो मैंने वीडियोस बना रहा हूँ उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन आती है जिससे हम बैश कमांड लाइन को अपने एंड्रॉयड में चला सकते हैं, उसका नाम है टर्मैक्स। टर्मैक्स एक एप्लीकेशन है जिसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं बैश स्क्रिप्टिंग करने के लिए, ना बैच नहीं, बैश, BASH, बैश स्क्रिप्टिंग के लिए। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आपको इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है और आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक टर्मिनल के जैसा ये दिखाई पड़ता है आपको। आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे जितने भी टर्मिनल्स के कमांड्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो इसकी रिपोजिटरीज में, जैसे अगर हम लिनक्स पे होते हैं तो हम वहाँ पे टाइप करते हैं apt-get install, लेकिन आप यहाँ पे pkg का हम यूज़ करते हैं पैकेज, ठीक है, जो पैकेज होता है pkg, एक शॉर्ट फॉर्म है पैकेज का, उसका हम लगाकर ये कमांड लगाकर आप देख सकते हैं कि कोई भी, मतलब जो भी चल रहा है आपके आपके जो भी टर्मैक्स पे कोई कमांड है, जो डाउनलोड होती है, जो पैकेजेस वगैरह, उनको आप देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने W3M जो कि एक कमांड लाइन का ब्राउज़र होता है उसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड करा और इंस्टॉल करा। आप उसके बाद आप चाहो तो, जैसे कि मैं W3M का एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, W3M की मदद से आप कोई भी सर्च इंजन या कोई वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं। और इवन W3M की मदद से आप जो इनसेन वेब की वेबसाइट होती है, जो ऑनियन लिंक्स होते हैं, उनको भी ओपन कर सकते हैं टॉर्नेटो को वगैरह सेटअप करके। तो अभी मैंने आपको गूगल को खोल के दिखाया W3M से, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि pkg install, ठीक है, एक कमांड होती है pkg install, जो कि पैकेज इंस्टॉल आप जो बोलते हैं pkg install git, तो जिससे जो हमारी GitHub की फाइल्स होंगी जिनको हमको डाउनलोड करना होगा, तो उसके लिए एक पैकेज, मैंने जो पैकेज होता है गिट पैकेज, उसका हम यूज़ करते हैं GitHub की जो फाइल्स होती हैं उनको डाउनलोड करने के लिए गिट क्लोन के थ्रू। अब जिन लोगों को नहीं पता गिट क्लोन क्या होता है, मैं बता देना चाहता हूँ कि एक डाउनलोड करने का तरीका होता है, आप एक तरीके से कह सकते हैं, जिसकी मदद से हम डाउनलोड करते हैं। तो ये देखिए, ये भी अभी इंस्टॉल हो गया है। और अभी अगर आपको कोई चीज़ें डाउनलोड करनी है तो आप गिट क्लोन से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कोई डायरेक्टरी भी बना सकते हैं, बिल्कुल सेम जिस तरह हम लिनक्स में काम करते हैं, बिल्कुल सेम तरीका है काम करने का इसका भी। आपको बस बैश लिखने आना चाहिए, जैसे ठीक है मैंने आपको यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनानी दिखा दी, बना के माई टूल्स, और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपको बैश की, बैश स्क्रिप्टिंग जो है उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है, बैश आपको आना चाहिए इस पर कमांड्स वगैरह रन करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ करके दिखाया mkdir my tools, और यहाँ पे इसने डायरेक्टरी बना दी। और ये देखिए, जैसे अब कुछ टूल्स होते हैं जो कि आपको यहाँ नहीं मिलते हैं, ठीक है, जैसे पैकेज पे, उसके लिए हम GitHub वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कोई टूल है तो उस टूल को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने इस टर्मैक्स पे, मतलब अगर आपके पास कोई GitHub का आपको टूल है तो आपको कैसे उसको इंस्टॉल करना है, इस बारे में भी हम जान लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आप यहाँ पर आ जाइए, होम स्क्रीन पर आ जाइए, ये
ठीक है, मैं थोड़ा चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अभी मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने बंद करके दोबारा से ओपन करा टर्मैक्स को। और यहाँ पर अभी आप देखिए, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ठीक है, या फिर अगर आपको जैसे फिगलेट का यूज़ करना है, फिगलेट मतलब अभी आपको मैं दिखाऊंगा क्या है ठीक है। अच्छा अभी ये फिगलेट इंस्टॉल नहीं था, सॉरी ये मैंने फिगलेट इंस्टॉल कर दिया। फिगलेट जो होता है वो एक टेक्स्ट आर्ट बनाता है आपके टर्मिनल पे। आपने जैसा अक्सर यूट्यूब पे कई जगह देखा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगलेट पे लिख दिया हेलो ठीक है हाय ठीक है, इस तरीके का टेक्स्ट आर्ट बना देगा फिगलेट। इस तरीके की भी चीज़ों को आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ और छोटी सी चीज़ों के बारे में बात करें, एक शॉर्ट टर्म में बोले तो आप लिनक्स के सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। और जिन लोगों को पता है थोड़ा बहुत इस फील्ड के बारे में, अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ एक गिटहब से कोई फाइल वगैरह डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। मैंने इनकॉग्निटो टैब खोला और यहाँ पे मैं डालता हूँ गिट हब, और यहाँ पे मैं डालता हूँ SQL मैप ठीक है। SQL मैप जिन लोगों को पता है SQLi में यूज़ होता है, SQL इंजेक्शन में, वो एक बहुत अच्छा टूल है। और यहाँ पे मेरा खुल गया SQL मैप। अभी आपको इस पे जाना होगा और आपको यहाँ तीन डॉट्स पर जाना होगा। तीन डॉट्स पे जाके फिर आपको डेस्कटॉप साइट करना होगा और इसके पूरे यहाँ से कॉपी कर लेना होगा, जो कि पूरा गिट क्लोन का URL है। और आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे अपने टर्मैक्स पे। और शायद मैं रिकॉर्डर का जो मैं यूज़ कर रहा, वो मेरी स्क्रीन को नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा होगा, क्योंकि मैं अभी इनकॉग्निटो टैब में हूँ, प्राइवेट विंडो में हूँ। और अब हम इसको टर्मैक्स पे लाकर पेस्ट करेंगे ठीक है। गिट क्लोन और ये इसकी ज़रूरी चीज़ें हैं जो इसको डाउनलोड करना है। ये देखिए ये भी हमारा लगभग डाउनलोड हो गया है ठीक है। अभी मैं इसको क्लियर कर दूं। अभी आप देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बन गई है, CDSQL मैप डेव ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ls करते हैं, ls लिख दिया गलती से मैंने ठीक है। यहाँ पे sqlmap.py api.py ठीक है। अब जैसे किसी चीज़ को आपको परमिशन देनी होती है लिनक्स में, तो सेम बिल्कुल सारी कमांड सेम है ठीक है। जैसे chmod चेंज मोड प्लस एक्स या माइनस एक्स, अभी ठीक है ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल, बस मैंने एज ए एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा दिया ये। और अगर आपको कोई कमांड्स वगैरह यूज़ करने या फिर कोई टूल्स वगैरह यूज़ करना, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने पाइथन डाला, तो ये देखिए पाइथन इसमें इंस्टॉल नहीं है, तो आप यहाँ पीकेजी इंस्टॉल पाइथन करके पाइथन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा टूल है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब सही बात तो है कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप हर जगह कैरी नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको फ़ोन से हैकिंग करनी है तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। आज की वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।